वेलकम बच्चों। सो जो लास्ट टाइम हमने जो देखा था, चैप्टर हमारा था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने बहुत सारे जो कंसेप्ट देखे, उसमें से हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जिसमें से हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले, ब्रूस्टर्स लॉ है, क्रिटिकल एंगल है, उसके बाद में इंटरफेरेंस के संबंध में जो जो हमारे पास में फार्मूले थे वो फार्मूले हमने लिखे, जिसके लिए हम क्या करने वाले, प्रॉब्लम्स देखने वाले। और उसके बाद हम डायफ्रैक्शन भी देख चुके हैं, तो डायफ्रैक्शन के लिए भी हम बाद में फार्मूले लिखेंगे और उसके भी हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलो ये थोड़ा सा एक ओवरलुक कर देते और आप इसको बराबर पढ़ के रहिए, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास से हम जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स में आपको इन सब फार्मूले की मदद मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये म्यू जो होता है, ये आपको मालूम है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यहाँ पे लिखी नहीं है कि किसको क्या कह दे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो चैप्टर में ही आ चुका है, हर चीज़ हमको रिसेंटली ही मालूम है। सो जैसे कि म्यू हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा हम बोलेंगे। तो फार्मूला क्या ध्यान में रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पढ़ते समय ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में लिखना है तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे दो जो मीडियम है उसमें से जो फर्स्ट या फिर सेकंड, वो एयर मीडियम नहीं है, कुछ भी, जैसे ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हो, जो कुछ भी है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ध्यान में रखना। फिर वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। आपको मालूम है द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं वो, ठीक है। फिर ब्रूस्टर्स लॉ आपको मालूम है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू क्या था वो, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, यहाँ पे ध्यान में रखना पी हमारा पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल भी देखा था हमने, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या है, साइन सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, यानी सी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, साइन को पहले तो आप ये रिलेशन ध्यान में रखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी मीडियम आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर पी प्लस आर इज इक्वल टू आपको ध्यान में रखना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे पी क्या है तो पोलराइजिंग एंगल, और आर क्या है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वेव्स इन पाथ डी, ठीक है, जितना भी पाथ हमको दिया है कि उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, तो ध्यान में रखना है फार्मूला होगा d/λ, यानी जितनी पाथ लेंथ होंगे और जितनी लाइट की वेव लेंथ होंगे उनका अगर रेशियो लेते हैं, सो नंबर ऑफ वेव्स इन दैट पाथ वी कैन फाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है जब हमने रिफ्रैक्शन देखा था उस समय में, तो विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज इक्वल टू कॉस आई अपॉन कॉस आर, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। फिर हमारा इंटरफेरेंस का जब हमने शुरुआत किया था, तो उसके पहले थोड़ा सामने देखा था कि जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का फेनोमेना होता है, वहाँ पे कहीं जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है यानी मैक्सिमम, यहाँ पे ब्राइट पॉइंट बोलेंगे, कहीं पे इंटेंसिटी कम होती है यानी मिनिमम, यानी डार्क पॉइंट बोलेंगे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि फॉर ब्राइट पॉइंट जो पाथ डिफरेंस है वो n λ रहता और फेज डिफरेंस रहता है n π, ठीक है। डार्क बैंड, डार्क पॉइंट के लिए क्या रहता है, पाथ डिफरेंस 2n-1λ/2 और फेज डिफरेंस रहता 2n-1π, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास में दो वेव जो सुपरपोज होती है, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेव है, वेव का इक्वेशन है एग्जांपल x इज इक्वल टू, या फिर आप y इज इक्वल टू ले सकते हैं, ठीक है, कि ए जनरली हमारा ये इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा समझो, ठीक है। अब दो अगर लेना है तो समझो x1 है तो a1 और यहाँ पे α1 हमने लिया था, ठीक है। दूसरा x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस α2, ठीक है। तो जब इनको हम क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं, बहुत सारी हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें जब हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, सो r इज इक्वल टू क्या आता है, a1 square प्लस a2 square प्लस ट्वाइस, वहाँ पे मिलता है ट्वाइस a1 a2, हमने देखा था a1 square प्लस a2 square प्लस ट्वाइस a1 a2 cos,
ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस था अल्फा वन माइनस अल्फा टू बोलो या फिर अल्फा टू माइनस अल्फा वन बोलो, वो डिफरेंस जो भी है, तो इसी डिफरेंस को हम फाई कहते हैं। इसलिए हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये था, तो आर इज इक्वल टू इसका क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो ये फार्मूला हमको मिलता है कि आर इज इक्वल टू ए वन स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए टू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाई, या फिर जो फाई है वो हमारा फेज डिफरेंस है यानी अल्फा वन माइनस अल्फा टू। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर ध्यान में रखना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, फिर उसके बीच में हमारे पास में वो फाई निकालना, ठीक है, यानी फेज एंगल अगर निकालना है तो फेज एंगल के लिए फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। ठीक है, फाई अल्फा वन माइनस अल्फा टू। ठीक, फिर उसके बाद में हमको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर। अब ए यानी एम्पलीट्यूड है, अब यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो आई ए की जगह पे आर रहेगा। ठीक है, आर स्क्वेयर, तो देखो आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट वाला पूरा, तो आर स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा, यानी आई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ठीक है, ये पूरा अंदर का ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा आर स्क्वेयर, तो आर इज इक्वल टू ये, तो स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट हटेगा ना, तो ये आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, वहाँ पे ब्राइटनेस मिलता है हमको, तो आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम होंगे तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड के एडिशन का स्क्वायर यानी ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, वो ध्यान में रखना है। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, जीरो टाइप होता है। ठीक है, तो ए वन माइनस ए टू उसका स्क्वायर होगा, यानी आई मिनिमम मतलब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, किसकी कितनी हो जाएंगे वो तो ध्यान में रखना कि ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो आई यहाँ पर हमारे पास में है ये पूरा था ए वन स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम इसको एक आधा कोई कांस्टेंट ले लेते, समझो कांस्टेंट दो मिनट के लिए वन है, तो फार्मूला क्या होगा, ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू और कॉस फाइव, ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ऊपर में जैसे हमारे पास है आई, यहाँ पे कांस्टेंट ले ले तो दो मिनट के लिए मैं वन, तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, तो आई के ए स्क्वेयर के जगह पे क्या आएगा, आई ए स्क्वेयर के जगह पे क्या आएगा, आई, सो ए स्क्वेयर है तो आई, तो ए वन स्क्वेयर है तो क्या आएगा, आई वन प्लस ए टू स्क्वेयर है तो क्या आएगा, आई टू प्लस ये ट्वाइस ए वन। तो अब बात करते ए, तो स्क्वेयर गया रह गया तो स्क्वेयर रूट आया रह आया होगा, तो ए वन होगा तो आई वन, ए टू अगर होगा तो रूट में आई टू होगा, मतलब ए वन ए टू है तो रूट में आई वन आई टू होगा, और यहाँ पर कॉस फाई तो है, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर बात करते तो आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस आई वन आई टू कॉस फाई रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि I1 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, तो यही फार्मूला क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू I1 के जगह पे I, I2 के जगह पे भी I प्लस ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रूट में I1 के जगह पे I, I2 के जगह पे I और cos phi होगा। अब ये देखो I प्लस I 2I प्लस ये क्या होगा 2, आई 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 स्क्वेयर 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 रूट कैंसिल, तो बाहर आएगा 2I। ठीक है, और यहाँ रहेगा cos phi। अब यहाँ से 2i 2i को कॉमन निकाल दो, तो 2i गया तो 1 बचेगा प्लस 2i गया तो cos phi बचेगा। अब आपको मालूम है फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला बताओ क्या है, यस 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 है। अब माइनस 1 अगर इधर आता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा हो जाता। अब जब यहाँ पे cos 2 थीटा है, 2 है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ से मैं 2 को हटा दूँ यहाँ पे थीटा बाय 2 लगेगा। तो उसी प्रकार 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो ये 2 आई है हमारे पास, तो 1 प्लस cos phi है, तो फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वेयर थीटा बाय 2 की जगह पे phi बाय 2 आएगा, इसलिए ये बनेगा 4i और cos स्क्वेयर 5/2। यानी हमारे पास में अगर बात करते हैं इसी को, अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, तो यही IR का फार्मूला बनेगा 4I cos स्क्वेयर 5/2। उसके पीछे रीज़न ये सब है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है।
ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको मालूम है जो यानी फेज डिफरेंस होता है तो वो या तो 0, 2π, 4π ऐसा होता है। अगर मैंने 0 ले लिया तो cos 0 होगा, 2π ले लिया ठीक है तो वहाँ पे 2 होगा, कटेगा तो पाए तो फिर से 1 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है cos स्क्वेयर होगा तो -1 होने के बाद में भी प्लस 1 आएगा ठीक है। कॉस 0 जो है 0/2 यानी 0, कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 4 आए तो आंसर होगा 4 आए। अगर आपने 2π लिया, 2π, पाई की वैल्यू 2π, 2 कटेगा पाई तो पाई की कॉस पाई है -1 लेकिन स्क्वायर होने के कारण फिर से 1 होगा, फिर से 4 आए, यानी आप कुछ भी रखेंगे तो पूरा आंसर क्या होगा 4 आए। वही अगर मिनिमा के लिए बात करते हैं तो फाई होता है 1π, 3π, 5π इस तरह से। तो अगर आपने पाई रखा तो पाई बाय 2 यानी कॉस पाई बाय टू का मतलब 90, कॉस 90 0 होता है, ये पूरा आंसर क्या होगा 0 ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो, इसलिए ध्यान में रखना। फिर जब हमने इंटरफेरेंस में देखा था तो याद करिए वहाँ पे पाथ डिफरेंस xd/d था, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ यंथ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड तो वो फार्मूला था xn = nλd/d और डिस्टेंस ऑफ यंथ डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड वो था हमारे पास 2n, xn = 2n − 1λD/2d ठीक है। और एक लास्ट में ध्यान में रखना है कि बैंडविड्थ जो हमारे पास में, तो जो बैंडविड्थ है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ठीक है तो λD/d ये हमारे पास है ठीक है। यानी बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करती है तो वेवलेंथ पे, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट और डी यानी विड्थ ऑफ द स्लिट बोलो या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, जो टू कोहेरेंट सोर्सेज हमने लिए थे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए उसका ठीक है। तो जितना ये डिस्टेंस कम होगा इसलिए हमने कहा था कि वो जो सोर्सेज है नैरो चाहिए, बहुत ही क्लोज चाहिए ठीक है। अच्छा ये जो कैपिटल एक्स है या फिर ये जो छोटी मोटी, ये कैपिटल डी को छोड़ दो तो कैपिटल एक्स बोलो, लैम्डा बोलो, डी बोलो, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। लैम्डा तो एमस्ट्रॉन्ग के लेवल का है। अगर हम कैपिटल एक्स और डी की बात करते हैं स्मॉल डी के तो हमारे मिलीमीटर के रेंज के होते हैं, उससे भी कम होते हैं यानी 10^-3, 10^-4 के लेवल के बहुत कम होते हैं ठीक है। सो ये हमारे पास में यहाँ तक हमारे पास इंटरफेरेंस के फार्मूले हैं और कुछ एक दो उसमें एक्स्ट्रा के ठीक है। डायफ्रैक्शन के फार्मूले हमने लिखे नहीं यहाँ पर, जब वो हम देखेंगे उसके प्रॉब्लम्स वो भी हम देखेंगे ठीक है। जिसके बाद में हम एक दो दिन में क्या करेंगे, एक दो दिन तक यहाँ पर इसके ऊपर में हम यानी पहले इजी और एक दो डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।